फ्रेंड्स, अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कहीं पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस कटोरी से नाप कर 3 कटोरी चावल लिए हैं, 1 कटोरी ली है उड़द की दाल और 1 कटोरी ली है चना की दाल। इन सभी को हम एक बर्तन में इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तीन बार इसे साफ पानी से धो लेंगे। मैंने यहाँ दाल चावल को 3 बार साफ पानी से धो लिया है। अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए इसी तरह से ढककर रख देते हैं। 2 घंटे के बाद चावल और दाल हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं, तो अब मैं इन्हें पीस लेती हूँ। इसे मैं 3 बार में पीसूँगी। पीसने के लिए 1/2 कटोरी पानी डाल लेते हैं। दाल और चावल को मैंने पीस लिया है मिक्सर में, तो अब हम इसे एक खाली बर्तन में इस तरह से निकाल लेते हैं। बचे हुए दाल चावल को भी हम इसी तरह से पीसेंगे। ये जो पानी है इसे हम निकाल कर फेंक देंगे। इसमें भी थोड़ा पानी मिलाएंगे। दाल चावल को पीसने में मुझे पूरा 1 गिलास पानी लग गया है और अभी ये मिक्सर के जार के अंदर काफ़ी सारा घोल चिपका हुआ है, तो मैं 1/2 कटोरी पानी इसके अंदर डालकर इसे साफ़ कर रही हूँ। इसे भी घोल के अंदर डाल लेते हैं और घोल को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से दाल और चावल को मैंने सुबह 7 बजे पानी में भिगो कर रखा था और अभी 9 बजे सुबह मैंने इसको पीस लिया है। अभी मैं इसे ढककर रख दूंगी 3 घंटे के लिए। अभी गर्मी के दिन हैं तो इसका खमीर जल्दी उठ जाएगा, और अगर आप ठंड के दिन में बना रहे हो तो धूप में भी 3-4 घंटे के लिए रख सकते हैं, तो भी इसका खमीर आसानी से उठ जाता है। तो अभी मैं इसे 3 घंटे के लिए ढककर रख देती हूँ। 3 घंटे हो चुके हैं और हमारे इस घोल का खमीर भी उठाया है। आप देख सकते हैं घोल अभी ये मेरा इतना गाढ़ा है। ये जो हमारा घोल है, जैसा इडली बनाने का घोल होता है इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल डोसे के घोल जैसा पतला नहीं होना चाहिए। मैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, लगभग 1 कटोरी, और इसे मिक्स कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो रहा है। तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे। राई जब इस तरह से चटकने लग जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ता और राई का तड़का हम इस घोल में लगा देते हैं। साथ में ही नमक डाल लेंगे। जिस कढ़ाई में हमने तड़का लगाया है इस वाले गैस को हम फिर से चालू कर देंगे और गैस का फ्लेम अभी लो रखेंगे। घोल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने इसके अंदर डाल लिया है। इस कढ़ाई में हमने तड़का लगाया था तो इसमें थोड़ा सा तेल तो है, तो अभी मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच तेल इस तरह से फैला कर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच घोल इस तरह से डालेंगे। यहाँ पर मैंने गहरी कढ़ाई ली है, इसको हमें फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसे ढक देते हैं और लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध का दही जमा कर रखा था, तो इसमें से 1/2 दही मैं ले लेती हूँ। दही में हम डालेंगे 3 चम्मच शक्कर, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक, और इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। शक्कर भी घुल जाएगी 5 मिनट में। इसके अंदर पानी नहीं डालना है।
दही को हल्की सी फेंट लेते हैं। साथ में ही चाहिए इमली की चटनी। तो ये इमली की चटनी मैंने 3-4 दिन पहले दही बड़े बनाए थे उसी की बची हुई है। इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप चाहें तो गैस का फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं, पर हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। और जल्दबाजी में बनानी हो तो 2 कढ़ाई 2 गैस पर रख सकते हैं, तो और भी आसानी से बन जाता है। 3 मिनट हो गए हैं तो आप गैस का फ्लेम मीडियम कर लेते हैं और प्लेट को खोलकर देख लेते हैं। आप देखेंगे कि ये ऊपर से सूखा हुआ नज़र आएगा। इसके ऊपर से हल्का सा तेल डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब सरिया से हम इसे इस तरह से उठाकर पलट देंगे। प्लेट को फिर से ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए फिर पकने देंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है। 2 मिनट के बाद प्लेट को हटाते हैं। देखते हैं दूसरी तरफ से भी इतनी देर में तो क्रिस्पी हो गया होगा। जी हाँ, कलर ऐसा ही होना चाहिए, हल्का सा गुलाबी। इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है या जलाना नहीं है। आप देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से बारीक बारीक छेद दिखाई दे रहे हैं, किनारों से भी बीच में भी। अब हम इसके ऊपर से 1 चम्मच इमली की चटनी डालेंगे इस तरह से फैलाकर। इसके ऊपर से 1 से 1.5 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। तो चावल का बहुत ही चटपटा और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो चाट खाना भूल जाएंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।